आपने लेते तो जब आपके प्रिंट के ऑप्शन हाँ जी दोस्तों कैसे हैं। तो जैसे कि आपने आज इसकी वीडियो के थंबनेल और इसके सब्जेक्ट में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने मोबाइल से टोकन कैसे बनाएं और कैसे उसका पीडीएफ प्रिंट जो है डाउनलोड करें। तो आप में से बहुत से लोग हैं जो ये चीज़ तो देख जिनको पता है कि आप अपने मोबाइल से टोकन कैसे बना सकते हैं, इवन चाहे वो ड्राइवर हो चाहे कोई भी, सब जानते हैं कि मोबाइल से टोकन कैसे बनाया जाता है। ओके लेकिन मेन प्रॉब्लम किधर आती है कि मोबाइल से पीडीएफ प्रिंट कैसे निकालते हैं जैसे कि हम अपने डेस्कटॉप पे करते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम जब मोबाइल से टोकन बनाते हैं तो हम नॉर्मली क्या है कि उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, हमको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है क्योंकि और स्क्रीनशॉट एक या दो स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं, किसी में उसका टाइम शो हो रहा होता है, किसी में उसका टर्मिनल और कंटेनर नंबर शो हो रहा होता है, और कुछ जगह ऐसे होती हैं जिनमें हमको ओरिजिनल टोकन की ज़रूरत होती है, पीडीएफ टोकन की ज़रूरत होती है, उसका प्रिंट निकाल के उसके ऊपर स्टैंप लगानी होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे गाड़ी चला रहे होते हैं, मोबाइल से टोकन तो बना देते हैं लेकिन उसका प्रिंट नहीं आता। तो आज हम उसी के बारे में बात करें कि आप वो प्रिंट कैसे लें। तो आपको नॉर्मली क्या है, अपने दुबई ट्रेड में लॉगिन करना है, सब कुछ करना है। मेरी स्क्रीन में अभी आप कुछ नहीं देख पा रहे, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा क्योंकि मैंने इस चीज़ वीडियो में कुछ चीज़ें स्किप की हैं जो मेरी पर्सनल डिटेल हैं, लाइक होलियर कोड है, आप सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में। जो ये वीडियो देख रहा है वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानता है कि कुछ चीज़ें को पर्सनल चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा, और सबसे पहले ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि इसके लिए मैंने कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं डाउनलोड की है, कोई एक्स्ट्रा ब्राउज़र नहीं डाउनलोड किया, कोई एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं की है। जो नॉर्मल सेटिंग होती है, नॉर्मल ब्राउज़र होता है, वही चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा अलग से कुछ नहीं किया। ओके, तो नॉर्मल टोकन बनाओ, टोकन बना के सब कुछ ठीक है प्रोसेस करो, फाइनल जब आप टोकन जनरेट करते हो। ओके, टोकन जनरेट करो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप टोकन जनरेट करते हो। ओके, टोकन कर लिया आपने जनरेट। ओके, टोकन जनरेट होने के बाद में आपका ऐसे दो ऑप्शन आ गई। ओके, एक में आपको रिसिप्ट देखनी है जो मतलब उसका आपके जितने पैसे कटते हैं उसमें आपको ट्रांजेक्शन आईडी और सब कुछ वो चीज़ें होती है, और दूसरे में टोकन होता है आपका। ओके, तो आपको टोकन क्या करना, अभी देखिए अभी ये तो मेरे चाहे आ गया लेकिन कुछ लोगों के इधर से प्रिंट की ऑप्शन नहीं आती, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये साइड का जो बॉर्डर बॉर्डर है ना, ये इस पर टच करना है और इसको ऊपर नीचे से करना है जिसकी ऑप्शन नहीं आती साइड में से, ठीक है। तो जब आपके प्रिंट की ऑप्शन आ जाए इधर सिंपली इसको प्रिंट कर देना है। ओके, तो प्रिंट करने के बाद में ये आपका ऐसे फल खुल जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, कभी एक या दो स्क्रीनशॉट लेके वो करते हैं, ठीक है। इधर से आपको प्रिंट करना है। ओके, प्रिंट करके इसमें ये भी ऑप्शन आती है कि जैसे ये दो पेज खुलें, आपको ऑप्शन आ जाएगी, आपको एक पेज सेलेक्ट करना है इधर से, दे देखो इस एक पेज करेंगे तो इधर एक पेज होगा, ठीक है। तो ये सेम ही ऑप्शन आपको, चाहे बिल ऑफ एंट्री हो, चाहे कोई गेट पास हो, चाहे कुछ हो, ठीक है। इसमें मैंने कोई ये आपको एक चीज़ आपको फिर से कन्फर्म कर दूं कि इसमें मैंने वो नहीं किया है कि इसका डेस्कटॉप ब्राउज़र किया या कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओके, तो सिंपल इधर से प्रिंट कर देना है आपको। ओके, तो ये आपको आ जाएगा। आगे वो मेरा थोड़ा पर्सनल था इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा, आपको जिधर शेयर करना है आपको आप उधर शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको एप्लीकेशन में शेयर करना है, चाहे आपको व्हाट्सएप में करना है, चाहे किसी को मेल करना है, चाहे कुछ भी करना है। नॉर्मली हम लोग तो व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप सेलेक्ट करोगे तो आपका वो फाइल आपका व्हाट्सएप शेयर हो जाएगा एज ए पीडीएफ, तो आप इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है।